सही है, बड़ी बिग टेस्टिमनी ये भाई, आप यकीन नहीं करोगे क्लिसिया, ये मिस्टर इंडिया 2022 है, मिस्टर इंडिया बॉडी बिल्डर 2022। और अपोस्टल जी ये भाई की एक टेस्टिमनी है कि ये मिस्टर इंडिया कैसे बने, क्योंकि 2018 में ये भाई कहते हैं कि ये प्रोफेशनली बॉडी बिल्डर थे पहले तो, और कहते हैं कि मैं तैयारी कर रहा था कि मैं अपना जिम शुरू करूं और एक बॉडी बिल्डर ही बना रहूं, यहां तक इनकी सोच थी। कहते हैं कि 165 केजी का इन्होंने स्क्वेट्स लगा रहे थे, एक्सरसाइज कर रहे थे, और इन्होंने 165 केजी का जो है लिफ्ट उठा लिया, जैसे उठाया रीढ़ की हड्डी में एक तरह से कहते हैं कि स्ट्रेच सा हुआ, आवाज सी आई और मन के प्रेस हो गए और टोटली बेड पर चले गए थे 2018 में। कहते हैं उसके बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि हैवी वेट उठाने की वजह से आपके मन के प्रेस हो चुके हैं, अभी सर्जरी ही सोल्यूशन है और भूल जाओ कि आप कभी भी कोई भार उठाओगे, या फिर अपना आप जिम भी शुरू करोगे, या फिर बॉडी बिल्डर के रिलेटेड कोई भी काम करोगे। ये भाई कहते हैं कि मैं बड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि ये कई 9 डॉक्टर्स के पास गए और हर एक ने एक ही स्टेटमेंट दी कि आपकी सर्जरी होगी, उसके बिना कोई भी हल नहीं और जीवन में आप कभी भी भार नहीं उठा सकते। और अपोस्टल जी फिर इसी डिप्रेशन में, प्रॉब्लम बीमारी में, जब ये भाई बिस्तर पर थे, किसी ने खंबरा चर्च के बारे में बताया और अपोस्टल ये चर्च में आए थे फर्स्ट टाइम 8 जून 2018 को, और अपोस्टल जी उस दिन संडे को आपने मास प्रेयर में फायर प्रेयर की थी कि बीमारी का आत्मा जो है यहोवा की तरफ से नहीं है और आपको छोड़ के जाए, परमेश्वर आपको चंगा करे। जो हमारे पास है वो प्रोफेटिक प्रेयर जिसने इस भाई की लाइफ को टोटली चेंज कर दिया। ओके आगे आगे दिखा। और बीमारी की बात कहते हैं कि मेरा फेथ परमेश्वर पर था, लगातार परमेश्वर में बना रहा, लगातार चर्च में आते रहे, और कहते हैं कि जैसे वो अपने फायर प्रे की थी एकदम से गर्माहट महसूस हुई रीढ़ की हड्डी में। कहते हैं जाके मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू की, मिस्टर इंडिया के लिए कहते हैं मैंने ट्रेनिंग शुरू की, और जब मिस्टर इंडिया का वो कॉन्सर्ट हुआ तो ये भाई मिस्टर इंडिया बने। शिफा दे वे ओ सब रोगा दो कर दे दूर बीमारी, शिफा दे वे ओ सब रोगा दो। और अपोस्टल जी अगर हम एब्स होते हैं ना अपोस्टल जी, अगर आप साइट पे देखें फोटोज में भी अपोस्टल जी, अगर आप साइट पे फोटोज भी देखें तो यकीन नहीं हुआ पहली नजर में हमें देखने को। मैंने बोला कि आप किसी स्टैचू की फोटो मुझे दिखा रहे हो कि या कि ये इंसान है, तो इन्होंने बोला कि नहीं ये ही बंदा है, ये स्टैचू नहीं है, ये बंदा है जिसे 2018 में बेड पर था और जैसे आपने फायर ब्रेक की खुदा ने हील किया, और ये भाई जो हम साइड में देख सकते हैं फोटोज लगातार। तारीफ करो जोर से, हालेलुया। उस दिन मैंने टेस्टिमनीज के बाद देखा, एक सिस्टर थी जिसको इंडिया लेवल पे गोल्ड मेडल मिला है, मुझे मिलाना है उससे जल्दी, वो कहां भी है। ओके, मुझे उससे मिलना है, आपसे भी मिलना है, ऑफिस में अभी मैं मिलता हूँ आपसे। परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा और फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। थैंक यू जी, आप हालेलुया। हालेलुया, बपतिस्मा ले लिया? हाँ जी, हाँ। परमेश्वर में? यस, हाँ जी। रहते कहाँ? अर्बन स्टेट जी, जलंधर में। हाँ जी, हाँ जी, सुबह। पूरा फेस आपका हीरो के जैसा है। और तारीफ करो जोर से, जोर से, जोर से। आमीन, ऊंची आवाज़ें बोलो आमीन। मिलते हैं ऑफिस में, मिलते हैं, मुझे मिल के जाइए ऑफिस में। मैं चाहता हूं कि हम लोगों को सपोर्ट्स में जो है उन्हें सपोर्ट कर सकें आगे बढ़ने के लिए, जहां भी चर्च की जरूरत होगी आगे बढ़ने के लिए हम खड़े होंगे उन लोगों के लिए, जहां भी देश को आगे बढ़ाने की जरूरत होगी हम उनके लिए खड़े होंगे। आमीन, ऊंचाई आशीष तुम्हारी है चर्च।